हेलो राइडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा होंडा हॉर्नेट 2.0 अब इंडियन मार्केट पे न्यूली लॉन्च करने जा रहे अपनी मॉडल को, क्योंकि 2.0 कुछ दिन पहले 180 सीसी के साथ लॉन्च हुआ था, जहां पर आपको यूएसडी सस्पेंशन मिला था। बट आप होंडा एक डिफरेंट स्टाइल पर लॉन्च होने जा रहे, जो फुल्ली नेकेड वर्जन के साथ तो आएगा। यहां पर आपको काफ़ी चीज़ें चेंजेस, स्पेसिफिकेशन पर भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। सो उसी के बारे में आज का वीडियो होने वाला है, एंड मैं आपको बताऊंगा आपको होंडा की तरफ से हॉर्नेट पर क्या क्या चेंजेस, क्या क्या अपडेट अब मिल रहा है दोस्तों। क्योंकि होंडा हॉर्नेट 2.0 एक ऐसा बाइक होने जा रहा है जो इंडियन मार्केट पे तबाही मचाने वाला है, एंड इसकी टक्कर सीधा 200 NS 125 MT MT 15 KTM ड्यूक 125 से होने वाला है। सो वीडियो को जरूर देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सो होंडा के बारे में अगर बात किया जाए, सो होंडा फर्स्ट ऐसा बाइक है जहाँ पर आपको 160 होने के बाद भी 140 का टायर मिलता था, एंड इवन कुछ दिन पहले यहाँ पर 180 सीसी की कंप्लीट कर दिया, यानी कि 180 सीसी के साथ बाइक को रिलॉन्च किया गया है। अब फिर से होंडा पर न्यू अपडेट दे रहा है, यानी कि होंडा हॉर्नेट 2.0 इंडियन मार्केट पर लॉन्च होने जा रहे हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बाइक कितनी ज़्यादा शानदार लग रही है, बाइक को काफ़ी हद तक KTM की तरह लग रहे हैं, एंड बाइक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मैस्कुलर दिख रहा है। यानी कि आप लोग समझ सकते हो आप, या कि जो सीट है यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, सीट बिल्कुल स्प्लिट शीट हो गया है, एंड बाइक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लग रहे हैं। टायर से जब को वही मिलेगा, यहाँ पर इंजन एंड स्पेसिफिकेशन पे थोड़ी बहुत चेंजेस मिलेगा, बट आपको इंजन पे कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पर 180 सीसी का ही इंजन मिलेगा। मीटर कंसोल पर चेंजेस आप लोग नोटिस कर सकते हो, ब्लूटूथ नेविगेशन जैसा ऑप्शन मिल सकता है, जहाँ पर आप लोग फोन को बाइक के साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड पहले 180 हॉर्नेट पर यूएसडी सस्पेंशन के साथ आता था, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब भी आपको 2.0 पर भी यूएसडी सस्पेंशन आएगा, बट आपको यहाँ पर ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। 180 हॉर्नेट पर सिंगल चैनल ABS के साथ आता था, बट अब होंडा हॉर्नेट 2.0 पर ड्यूअल चैनल ABS दिखने वाला है। ये एक खुशखबरी है होंडा हॉर्नेट लवर के लिए। एंड होंडा हॉर्नेट 2.0 पर अब मीटर कंसोल पर थोड़ी बहुत चेंजेस मैंने आप लोगों को बता दिया होगा, यहाँ पर आपको ड्यूअल चैनल ABS, टायर साइज में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बट इसकी जो टायर है वो अब रेडियल के साथ आपको मिलेगा दोस्तों। एंड बात किया जाए टोटल लाइटिंग सेटअप की न्यू होंडा हॉर्नेट 2.0 की, सो यहाँ पर आपको फुल्ली लाइटिंग सेटअप LED के साथ आएगा। फ्रंट पर LED हेडलैम्प मिलेगा, जहाँ पर आपको DRL भी आप नोटिस कर सकते हो, एंड जो टर्न सिग्नल इंडिकेटर है जहाँ पर अब LED के साथ ही आपको मिलेगा। बट आपको और एक चीज़ है यहाँ पर आपको न्यू मिल रहा है, वो है हैजर्ड के ऑप्शन। जैसे कि हीरो की XT160 पर आता है, वैसे आपको होंडा हॉर्नेट 2.0 पर हैजर्ड के ऑप्शन अब आपको मिलने वाला है। एंड लुक के बारे में अगर बात किया जाए, सो यहाँ पर आप लोग नोटिस कर सकते हो कितनी ज़्यादा शार्प लग रहे बाइक की जो लुक है। ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ चुका है, एंड सीट हाइट भी थोड़ी सी इंक्रीज हो चुका है दोस्तों। बट आपको दिक्कत की कोई बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आपको एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहा है। इससे क्या होगा, अब अपनी बाइक की सीट हाइट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, एंड बाइक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव लग रहे। बाइक की जो लुक है काफ़ी हद तक नेकेड कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा उभर कर आ रहा है इस बाइक के ऊपर। सो आप अगर इस बाइक के लिए एक्साइटेड हो, आप अगर इस बाइक को लेना चाहते हो, अभी तो आपको ये मॉडल इंडियन मार्केट पे नहीं मिला था, क्योंकि 2021 पर लॉन्च होने की कोई भी चांसेस नहीं है। आपको ये 2022 पर लॉन्च होगा, यानी कि अगले साल आपको लॉन्चिंग देखने को मिल जाएगा, एंड ये मॉडल ग्लोबली लॉन्च होगा, उसके बाद इंडियन मार्केट पर आएगा। सो आप अगर एक्साइटेड हो इस बाइक के लिए, आप अगर लेना चाहते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।